कैसे जी, आप सब लोग मिल करते हैं लोग ठीक ठाक होंगे मजे में होंगे तो आज की जो वीडियो है वो जी है हमारी ब्राइडल बेस के ऊपर ब्राइडल बेस हमने किस तरह से करनी है मुझे काफी टाइम से था कि मैं हाई कवरेज बहुत एच क्वालिटी वाली बेस लू फाउंडेशन लू कुछ इस तरह की कि जो एक बार लगाऊ उसके ऊपर मुझे कुछ लगाने की जरूरत ना पड़े ऑल इन वन हो तो हम जी उससे मेकअप करें ठीक है आज मैं आप लोगों के ले लेकर आई हूँ बहुत अच्छी सी फुल कवरेज फाउंडेशन डी ब्राइडल बेस ठीक है वो किस कंपनी है बहुत ही रीजनेबल प्राइस में मुझे मिल गई मैं काफी टाइम से ढूंढ रही थी काफी टाइम से पहले मेरा प्रोग्राम ये भी बना था कि मैं मिस की सिल्क फाउंडेशन जो काफी ज्यादा चल रही थी फोर उसकी प्राइस थी और टू फिफ्टी आई थिंक उसके डिलीवरी चार्ज चार्जेस थे वो मिल रही थी ऑनलाइन लेकिन ऑनलाइन जो है जब मैंने दो तीन बार ऑर्डर करने की कोशिश की तो वो आउट ऑफ स्टॉक थी मुझे मिली नहीं मार्केट में कहीं भी नहीं है वो तो मैंने जो है फिर उसका निचोड़ निकाला और मैंने ली ये एट यूट की फुल कवरेज बेस ठीक है आप लोगों को यहाँ पर नज़र आएगा ठीक है एट की ठीक है ये किस तरह से है अंदर से मैं वो भी आपको दिखा देती पहले इसकी ये पैकिंग है इस तरह से पता नहीं किस तरह से लोगों से खुल जाती है मुझसे नहीं खुलती तो ये है जी अंदर से कुछ इस तरह की बहुत थिक वाली और बहुत एच डी कवरेज की मैंने नहीं यूज़ की जब खरीदी थी टेस्टर के साथ यहाँ पे चेक की थी जब भी आप लोगों ने बेस खरीदनी है फाउंडेशन खरीदनी है यहाँ पे लगा के चेक करनी है मैंने वही किया टेस्टर चेक किया था और अभी तक नहीं चेक किया फर्स्ट टाइम आप लोगों के सामने यूज़ करूंगी और चेक करेंगे सबसे पहले कैसे अच्छा स्किन पर जो है सबसे पहले मेरी कुछ भी नहीं है बिल्कुल नीट एंड क्लीन स्किन है शोवर मैंने लिया और उसके बाद कुछ भी नहीं लगाया दो बार रोज़ वाटर स्प्रे किया था और ये स्किन है आपके सामने ठीक है यहाँ पे सबसे पहले मॉइस्चराइजर यूज़ करेंगे आप चाहे तो प्राइमर लगा सकते हैं मॉइस्चराइजर के ऊपर भी प्राइमर लगा सकते हैं लेकिन जब मैं मॉइस्चराइजर लगा लेती हूँ तो मुझे प्राइमर की जरूरत नहीं पड़ती यहाँ पर जी मैं यूज़ कर रही करूँ ये गोल्डन पल का मॉस्च्ज़र इसमें दो से तीन फ्लेवर है मैंने ये वाला फ्लेवर लिया था क्योंकि इसकी खुशबू जो है बहुत लाइट है बहुत लाइट है ठीक है इसको मैंने हाफ ओपन किया है यहाँ पर आपको नजर आ रहा होगा ये जी इतना जो है मैंने यूज़ कर लिया है ठीक है तो इसको लगा लेते हैं बिल्कुल हल्का सा ज़्यादा लगानी इसको जरूरत ही नहीं पड़ती है जो भी मॉइस्चराइजर जो भी क्रीम नाइट क्रीम डे क्रीम आपने कुछ भी लगानी है ना अपनी गर्दन पे जरूर लगानी है सिर्फ आगे नहीं पीछे की तरफ ही हाथ लेके जाकर ऐसे भी अपनी गर्दन पे लगानी है गर्दन को नहीं भूलना क्योंकि आपका अपना ही बॉडी पार्ट है तो जी आप ग्लोस देख लें मॉइस्चराइजर के बाद का बिल्कुल नीट एंड क्लीन स्किन है अच्छा इतनी हैवी बेस लगाते हुए मुझे भी अपने फेस पर थोड़ा सा डर लग रहा है लेकिन वीडियो बनानी थी कुछ ना कुछ तो करना ही था तो अब हम इसको ट्राई कर लेते हैं ये इस कंसिस्टेंसी में है, इस तरह से अच्छा ये मैट में है पहले अगर आप इसको चाहें तो उसके नीचे हाइलाइटर लगा सकते हैं या इसको थोड़ा सा किसी चीज़ पे निकाल कर प्लेट में ट्रे में निकाल कर तो उसमें आप हाइलाइटर मिक्स करके लगा सकते हैं तो हम भी इसको डायरेक्ट लगाएंगे मैं जब भी कोई नया प्रोडक्ट खरीदती हूँ कुछ भी करती हूँ मेरे ये सबसे पहले उसकी होती है कि मैं यार उसको सबसे पहले अकेले उस प्रोडक्ट को लगा के चेक करूँ उसमें कोई दो तीन चीज़ों का कुछ भी मिलावट ना करूँ ताकि मुझे उसकी जो है फुल कवरेज पता चल सके कि वो असल में भी ऐसी है या नहीं तो ये जी लग चुकी है और अब हम इसको ब्लेंड कर लेते हैं फिंगर के साथ करूँगी क्योंकि ब्रश पे जो है आधा प्रोडक्ट ब्रश पे लग जाता है तो जिसको हम करते हैं ब्लेंडिंग इसकी अभी आपने देकर डरना नहीं है कि मैं बहुत वाइट हो गई हूं इसी के साथ हम अपनी गर्दन भी कवर करेंगे आप देखें डार्क सर्कल छुपाने के लिए आईज को प्राइम करने के लिए हमें मजीद किसी भी चीज की जरूरत नहीं है यहाँ तो मतलब से ही बेस लग चुकी है ब्लेंड कर ली है इसी को उतार के गर्दन पे लगाया यहाँ से कम करके गर्दन पे लगाया यहाँ से तो कम हो गई थी और यहाँ पे यहाँ से कम करके गर्दन पे लगाया है सारी इसकी फिनिशिंग आपके सामने ठीक है अब इसको हमने सेट कैसे करना है अभी जो है ये थोड़ी सी ट्रांसफ़र प्रूफ है ट्रांसफर हो रही है क्योंकि ये इसके ऊपर हमने कोई पाउडर नहीं लगाया हुआ कुछ भी नहीं लगाया हुआ ये मेरी फिंगर्स पर ट्रांसफर हो गया इसको हम कर देते हैं बंद और यहाँ मैंने साथ ही कर लिया था अपना इस पफ को गीला मेरे पास कुछ भी नहीं है मैं इसको इसी के साथ सेट करके इसको वाटर प्रूफ कर दूँगी ताकि ये हल्के से गीले के ऊपर वाटर लग जाएगा तो ये अपनी जगह से जो है हिलेगी नहीं कभी भी आपने इस तरह इस तरह करके मार मार के सेट नहीं करना इस तरह करना जिस तरह मैं कर रही करूँ और अब जो इजाफी होगी ना मेरे फेस पे वो इस पे आ जाएगी उसी फेस को इजाफी हमने अपने गर्दन पे आगे पीछे अपने कानों पे सेट कर लेना ठीक है ये जी आप लोगों के सामने अब सेट हो चुकी है मेरी बेस इस तरफ से कर ली थी अब इस तरफ से करेंगे बिल्कुल खाली पापा है मैं इसको साबुन से अच्छी तरह धो के लाई हूँ और ये जी आपके सामने है जब भी आपने अगर ब्राइडल को लगानी है या आपने अपने किसी इवेंट पे लगानी है एक लेयर लगानी है उसको इस तरह से करना है फिर इसके ऊपर सेकंड लेयर लगानी है बहुत ज़्यादा डबल लेयरिंग नहीं कर ली कि मोटा मोटा थोप लिया और लगा लिया इस तरह नहीं करनी ये जी लाइट पार्टी मेकअप के लिए रेडी हो चुकी है बेस मेरी जहाँ पर लाइन्स पड़ती है वहाँ पर इस तरह से कॉर्नर बना के सेट कर लेना आपने ब्राइडल बेस लगाना मसला नहीं होता उसके बाद जो उसको सेट है ना वो थोड़ा सा इशू होता है जो कि हर किसी को नहीं आता और वो कहीं से बेस कुछ लग रही होती है और कहीं से बेस कुछ लग रही होती है ये जी मैंने इसको कर लिया है सेट अब इसके ऊपर किसी पाउडर की किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है अब हम लगाएंगे हल्का लूज फेस पाउडर इधर लगा लिया अब पहले हम करेंगे अपने फेस की कंट्रोलिंग हाँ हमने कर ली कंटोरिंग ठीक है हल्की सी नोस की करेंगे सिर्फ आप लोगों को दिखाने के लिए कि ये सब चीजें ब्राइडल बेस पे किस तरह लगती हैं इसलिए ये सारा मेकअप बेस के ऊपर आप लोगों के लिए किया जा रहा है जब बहुत ज़्यादा वाइट हो जाते हैं ना और हम हाइट कलर की तरफ जाते हैं तो हम लोग फिर तस्वीरों में पिक्चर्स में कैमरे में लाइट में बहुत वाइट आते हैं तो हल्का सा जो ब्राउन शेड है ना वो वाइट लोगों के लिए बहुत जरूरी है जिनका वाइट कलर नहीं है उन्होंने ब्राउन ब्राउन शेड की इतनी हैवी वाली कंट्रोलिंग नहीं करनी उन्होंने लाइट कंट्रोलिंग करनी है लेकिन जो लोग वाइट हैं वो मजीदी वाइट हो जाएंगे और कैमरा और पिक्चर्स में बहुत वाइट आएंगे तो ये जी हो चुकी है कंट्रोलिंग ठीक है अब यहीं पर हम साथ ही लगा लेंगे इधर लूज फेस पाउडर और जीधर लूज फेस पाउडर और यहाँ से हमारी कंट्रोलिंग दिखेगी शार्प हमारे जो फ़ीचर्स हैं वह शार्प दिखेंगे ठीक है अब बैक कैमरा जो है मैं अपनी आईब्रोज़ फिल करती हूँ और ब्लशों लगाती हूँ फिर आप लोगों को दिखाती हूँ जी तो यहाँ पे मैंने हल्का सा अपनी आईज को कलर किया है ऑरेंज और पिंक मिक्स करके और उसी ऑरेंज और पिंक के साथ मैंने ब्लश लगाया है हल्का सा नोज़ पे लगाया है और अपने चिन पे लगाया है सबसे पहले हम इसको डस्ट ऑफ कर लेते हैं अपने लूज फेस पाउडर को और आईब्रोज भी फिल हो चुकी हैं और मैंने इसको डस्ट भी कर लिया है ये जी हो चुका है लाइट सा इसके ऊपर मेकअप बिल्कुल लाइट सा ना मैंने काजल लगाया है ना मैंने कुछ और चीज़ लगाई है तो ये है जी बेस की कवरेज आपके सामने बिल्कुल अब हम वेट के करेंगे अक्सर ये होता है कि जो बेस होती है वो यहाँ से हमारी सबसे पहले ख़राब होने लग जाती है इसलिए मैंने यहाँ पे लूज़ फेस पाउडर लगाया है और यहाँ भी नहीं लगाया लूज़ फेस पाउडर और यहाँ इधर लगाया था और इधर आँखों के नीचे लगाया था इधर से सबसे पहले हमारी बेस यहाँ से और यहाँ से दाने दाने बनने शुरू होते हैं तो यहाँ पर लूज़ फेस पाउडर लगाया है अब थोड़ा सा इंतजार करेंगे तो फिर बाद में आपको दिखाएँगे कि दो से तीन घंटे बाद इसकी कवरेज कहाँ तक पहुँची है जब तक जो है मैं बाकी मेकअप कर लूँगी थोड़े से घर के काम कर लूँगी और आपको दोबारा फिर दिखाऊँगे ये तो फाउंडेशन को लगे हुए हो, हो चुके हैं तकरीबन साढ़े तीन घंटे इस टाइम बज रहे हैं साथ और रिज़ल्ट आपके सामने है ये कहीं से भी ख़राब नहीं हुई कुछ भी नहीं हुआ जैसी लगी थी वैसी लगी हुई है अब तक मैं बिल्कुल लाइट के नीचे खड़ी हूँ कमरे की जो लाइट होती है बिल्कुल वो है इससे कुछ भी नहीं हुआ मिनसे जी आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा अल्लाह हाफिज़